अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, हमारा जो आज सेकंड लेक्चर है वो है टाइप्स ऑफ फंक्शन। फंक्शन का आपने फर्स्ट लेक्चर में मैंने आपको बता दिया था। आज हमारा जो सेकंड लेक्चर है वो क्या है, टाइप्स ऑफ फंक्शंस। फर्स्ट टाइप जो है फंक्शन की वो है पॉलीनोमियल फंक्शन। एक ऐसा फंक्शन जिसको पी ऑफ एक्स इज इक्वल टू, आप पी ऑफ एक्स भी कह सकते हैं, उसको एफ ऑफ एक्स भी कह सकते हैं। उसको कैसे लिखें, ए एन एक्स की पावर एन, ए एन माइनस वन एक्स की पावर एन माइनस वन, सो ऑन ए टू एक्स स्क्वायर ए वन एक्स प्लस ए नोट। साथ ही कंडीशन क्या है, ए की एन नोट इक्वल टू जीरो। ये जो आपके पास एक्स की हाईएस्ट पावर एन है उसका कोफिशेंट जो आपके पास है क्या आना चाहिए, नॉट इक्वल टू ज़ीरो। ए नॉट ए एन माइनस वन, नेक्स्ट होगा ए एन माइनस टू, उससे नेक्स्ट ए एन माइनस थ्री, हम चलते जाएंगे और कहाँ पे जाएंगे, ए टू कम होते होते ए वन ए नॉट, ये सारे क्या हैं, कांस्टेंट हैं। और एक्स की जो आपके पास पावर है वो क्या है, एन, कम हो के एन माइनस वन एन माइनस टू एन माइनस थ्री एन माइनस फोर सो ऑन एक्स स्क्वायर, फिर एक्स की पावर वन। यहाँ पे एक्स की पावर ज़ीरो है, बट एक्स की पावर ज़ीरो किसके इक्वल होती है, वन के, तो फिर ये आपके पास क्या रह जाएगा, ए नॉट। और एक्स की एन का जो कांस्टेंट है वो किसके इक्वल होगा, नॉट इक्वल टू ज़ीरो। इस टाइप का जो फंक्शन होगा वो क्या कहलाएगा, पॉलीनोमियल फंक्शन ऑफ डिग्री एन। डिग्री का कैसे आपको पता चलेगा, ये नॉन नेगेटिव इंटीजर, यानी हमेशा एक्स के ऊपर जो पावर होगी वो क्या होगी, पॉजिटिव, और जो हाईएस्ट पावर होगी वो उस पॉलीनोमियल की क्या होगी, डिग्री। इसमें हाईएस्ट पावर आपके पास क्या है, एन है, तो इस पॉलीनोमियल फंक्शन की डिग्री क्या होगी, एन। इस टाइप के जितने भी फंक्शन होते हैं वो आपके पास क्या कहलाते हैं, पॉलीनोमियल फंक्शन। फॉर एग्जाम्पल मैंने लिया एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, कंडीशन क्या है, हाईएस्ट पावर क्या है एक्स की, टू, उसका कोफिशेंट किसके इक्वल, नॉट इक्वल टू जीरो। पॉलीनोमियल फंक्शन हाईएस्ट पावर टू, डिग्री आपके पास क्या होगी, टू, और इसका आपने एक सेकंड नेम भी पढ़ा हुआ है, क्वाड्रेटिक फंक्शन। नेक्स्ट एग्जांपल एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स क्यूब सिक्स एक्स स्क्वायर प्लस सेवन एक्स प्लस फाइव, हाईएस्ट पावर थ्री, पॉलीनोमियल फंक्शन डिग्री टू, सॉरी डिग्री थ्री, और हाईएस्ट पावर इसकी थ्री है इसलिए इसकी डिग्री आपके पास क्या है, थ्री है, और इसका सेकंड नेम क्या है, आप इसको क्यूबिक फंक्शन भी कहते हैं। सेकंड टाइप क्या है फंक्शन आपके पास क्या है, लीनियर फंक्शन। फंक्शन इस टाइप का एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू ए एक्स प्लस बी, लीनियर क्यों, यहाँ पे एक्स की जो पावर है वो आपके पास क्या है, वन। वो सारे फंक्शन जिसमें आपके पास जो वेरिएबल इन्वॉल्व है एक्स, उसकी डिग्री किसके इक्वल होगी, वन के, तो वो फंक्शन आपके पास क्या कहलाएगा, लीनियर फंक्शन। मैंने उसकी एग्जांपल लिखी 2x प्लस थ्री, आप कोई और भी ले सकते हैं 5x प्लस सिक्स, जो वेरिएबल इन्वॉल्व है x उसकी डिग्री क्या है, 1। सो ये फंक्शन आपके पास क्या है, लीनियर। कांस्टेंट फंक्शन f ऑफ x इज इक्वल टू c, वेरिएबल इन्वॉल्व नहीं होगा, x इन्वॉल्व नहीं होगा, कोई एक कांस्टेंट होगा c, फॉर एग्ज़ाम्पल थ्री, फॉर एग्ज़ाम्पल फोर, फॉर एग्ज़ाम्पल सिक्स, माइनस टू, माइनस थ्री, आप इसमें ए भी ले सकते हैं, आप इसमें बी भी ले सकते हैं, आप इसमें सी भी ले सकते हैं, वेरिएबल इन्वॉल्व नहीं होगा, फंक्शन किसके इक्वल होगा, एक कांस्टेंट के। तो इस टाइप का जो फंक्शन होता है वो आपके पास क्या कहलाता है, कांस्टेंट फंक्शन। फोर्थ है आपके पास आइडेंटिटी फंक्शन, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू, इसको आप मैथमेटिकली डिनोट, आई के फंक्शन है, एफ ऑफ एक्स से जनरली डिनोट करते हैं, लेकिन आइडेंटिटी है तो किससे, आई ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स फॉर ऑल एक्स, किसको बिलोंग कर रहा है एक्स, मतलब इसका ये है कि आपकी डोमेन भी एक्स है और आपकी रेंज भी। ये मैंने मैथमेटिकली इसको लिखा, जैसे आपके डोमेन के एलिमेंट वन टू थ्री हैं तो आपके रेंज के एलिमेंट भी क्या होंगे, वन टू थ्री। फंक्शन किससे है, एक्स से, एक्स में डोमेन और रेंज सेम, तो वो फंक्शन आपके पास क्या कहलाएगा, आइडेंटिटी फंक्शन।